नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में। और रोजाना की तरह हम हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशि फल लेकर। दर्शकों, राशि फल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशि फल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 24 जून सोमवार का शुभ दिन है और आज से ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ राशियों को आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशि फल में मिलेगा। तो जानने के लिए जरूर देखें हमारा ये राशि फल। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मेष राशि वालों का हाल। चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा, जिससे रुका हुआ पैसा आपको किसी से मिल सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लोगों से मदद मिलेगी। जरूरतमंद लोगों की मदद कर दें तो आपको अच्छा महसूस होगा। पैसे और महत्वपूर्ण कागजात थोड़ा संभाल के रखें, अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखें। चलिए जानते हैं वृष राशि का हाल। चंद्रमा गोचर कुंडली के कर्म भाव में रहेगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सकता है। समय पर काम निपटाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। व्यस्तता के बावजूद दोस्तों के लिए समय निकालने की कोशिश करनी होगी। नया प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। चलिए जानते हैं अब मिथुन राशि वालों का हाल। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। बिजनेस या जॉब से जुड़े खास मामलों पर किसी से बातचीत हो सकती है। आज आप कोई बात मन में ना रखें, किसी न किसी तरह किए गए कामों से आपको फायदा हो सकता है। किसी अनुभवी से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। लव लाइफ में थोड़ा बहुत संतुलन बनाने की कोशिश करें। चलिए जानते हैं अब कर्क राशि वालों का हाल। कर्क राशि वालों का आज दिन सामान्य रहेगा, आपकी तारीफ होगी। आज कुछ लोग आपकी बातचीत या आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। अपनी किसी जानकारी या कॉन्टैक्ट के दम पर आप साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग थोड़ा गुप्त ही रखें। चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों का हाल। किसी महत्वपूर्ण मामले पर बातचीत हो सकती है। किसी खास इंसान से बातचीत होने के योग बन रहे हैं। आपके लिए दिन अच्छा है, खुद के लिए समय निकाल लेंगे। परिवार और रिश्तेदारों के साथ आत्मीयता बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक होगा और दिन आराम से बीत जाएगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का हाल। आज बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। दोस्तों और परिचित लोगों के साथ समय बीत सकता है। कोई प्रेम प्रसंग शुरू होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मिल सकती है। आज आप सहयोग का मन बनाकर चले। मन में चल रही बेचैनी से छुटकारा मिल सकता है। गुस्से और उत्तेजना पर कंट्रोल करें। किसी बिगड़ते काम को भी आज आप पूरा कर सकते हैं। अब जानते हैं तुला राशि वालों का हाल। चंद्रमा गोचर कुंडली के पांचवें भाग में रहेगा, जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। आपके मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं। बार बार आपका मूड बदलता रहेगा। परिवार और साथ काम करने वाले कुछ लोगों और समाज से आपको मदद मिल सकती है। मेहनत और कॉन्टैक्ट के दम पर आपके काम पूरे हो सकेंगे। कुल मिलाकर दिन ठीक ठाक गुजरेगा। जान लेते हैं अब वृश्चिक राशि वालों का हाल। नौकरी या कारोबार से जुड़ी नई बातें आज आपको पता चल सकती हैं। इनकम, खर्चा, पारिवारिक और पेशेवर जीवन में आपको संतुलन रखना चाहिए। दूसरों की तारीफ करें और खुले मन से बात करें, इसी में आपका फायदा है। अपनी समझदारी से नए अवसरों का फायदा उठाने की कोशिश करें। परिवार का पूरा समर्थन आपको मिल सकता है। मनोरंजन और रोमांस के मौके आपको मिलेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। चलिए जानते हैं अब धनु राशि वालों का हाल। आज आप बेहद व्यवहारिक रहेंगे। कुछ खास लोगों का ध्यान आप पर और आप पर ही रहेगा। बड़े फैसले भरोसेमंद लोगों की सलाह लेकर ही करें। सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। रिश्तों की कोई अनबन सुलझ भी सकती है। आज किए गए कामों से आपको पूरा फायदा मिल सकता है और सफलता भी आपको मिलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य और संयम रखें। परिवार की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आप अपनी बातचीत की शैली से किसी को भी सहमत कर लेंगे। अब जानते हैं मकर राशि वालों का हाल। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आपको धन लाभ हो सकता है।
नौकरी से जुड़े फायदे के इशारे मिलेंगे, किसी अधिकारी या बड़े आदमी से बातचीत हो सकती है। आज आप किसी समस्या को ज्यादा बड़ा ना समझें, कोई चुनौती आपके लिए एक मौका हो सकती है। लोगों को अपनी राय से सहमत कराने में आप सफल हो सकते हैं। दूसरों की मदद का कोई काम भी आप कर सकते हैं। नए लोगों से दोस्ती हो सकती है, दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, दोस्तों के साथ आपका समय बीतेगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों का हाल। दिन ठीक ठाक रहेगा, कोई नया काम शुरू करने और समस्याओं को सुलझाने के लिहाज से दिन अच्छा है। नई नौकरी के ऑफर मिले तो उस पर पूरी तरह से व्यवहारिक ढंग से विचार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिगड़े काम बनाने में पूरी ताकत लगाने का समय है। गर्म जोशी, मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, बिगड़े संबंध भी सुधर सकते हैं। अब अंत में जान लेते हैं मीन राशि वालों का हाल। मीन राशि को आज कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, लोगों पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। शांति से काम ले, परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। अपनी बात कहने के लिए आप बहुत उत्सुक रहेंगे, आप कई तरह के लोगों से मिलेंगे, दोस्तों के साथ समय बीतेगा, पारिवारिक समस्याएं निपटाने के मौके मिल सकते हैं। तो यही था आज का हमारा राशिफल। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।